नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं निकिता। अमरोहा जनपद की जिला पंचायत की बोर्ड की बैठक में बीजेपी नेता विधायक राजीव तरारा ने बाहरी नेताओं का महिला सदस्यों की बात को दबाने का विरोध किया, क्योंकि बोर्ड की बैठक में महिला सदस्यों को भी अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। और इसी बात पर बाहरी नेता बनकर आए जनप्रतिनिधि विधायक पर भड़क उठे और हंगामा काटने लगे। बता दें कि यह मामला अमरोहा जिले का है। विकास भवन में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में विकास कार्यों के प्रस्ताव के पास होने के संबंध में बैठक की गई, जिसमें महिलाओं के साथ बसपा और सपा नेता अपनी बात रखने लगे। इससे बीजेपी विधायक राजीव तरारा ने उनकी इस बात का विरोध करते हुए महिला सदस्यों की आवाज को दबाने का आरोप लगा दिया, जिससे बैठक में मौजूद सपा और बसपा के जनप्रतिनिधियों की विधायक से कहासुनी हो गई। मेंबर बोले ऐसा है, सुनिए एक मिनट सुनिएगा। सरकार की प्राथमिकता हम सब लोग महिलाओं को आगे लेकर के जा रहे हैं, ठीक। आप महिला को दबा रहे हैं बराबर में बैठ करके, उनको बोलने दो ना, मेंबर वो है। जिसके चलते बीजेपी विधायक बाहरी नेताओं पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि बैठक में महिला सदस्यों को भी अपने क्षेत्र से जुड़ी प्रत्येक समस्या को रखने का पूर्ण अधिकार है। अमरोहा से कविंद्र सिंह की रिपोर्ट। आज जिला पंचायत की बैठक थी और इसमें सभी मान्य सदस्यगण उपस्थित रहे, अधिकारीगण उपस्थित रहे। उसमें कुछ विषयों को लेकर के चर्चा हुई और मैंने उसके विषय में कहा तो वो गलत तरीके से व्यक्ति बैठा था वहाँ। मैंने ये कहा कि उनके बता रहे थे कि पुत्र वधू जिला पंचायत मेंबर है। मैंने ये कहा था कि महिला सशक्तिकरण के लिए आप कदम उठा रहे हैं, वो बसपा से संबंधित थे, दूसरी पार्टी से संबंधित थे, छिड़ गए इस चीज़ को लेकर के, मेंबर को बोलने नहीं दे रहे हैं। जो महिलाएं हमारी माताएं बहनें हैं जिनको अधिकार दिया गया है, जनप्रतिनिधि बना करके भेजा गया है, जब तक उनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी। वो बराबर में बैठी हुई हैं, बार बार बोले जा रहे हैं किसी विषय को लेकर, ये चीज़ ठीक नहीं। मैंने इसी को कहा था कि जो जनप्रतिनिधि है वो अपने विषय को रखे, अच्छे से विषय को रखे, अवसर मिलेंगे तभी व्यक्ति आगे भी बढ़ता है, हमारी बहनें आगे बढ़ेंगी। मैंने इसी के लिए कहा है कि पूरी तरह से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम किए जा रहे हैं। और ये जो सही मुद्दे थे उसके लिए मैंने यहाँ पर कहा कि इसकी अगर पहल नहीं होगी तो उनकी आवाज़ दबती रहेगी। इसके लिए किसी न किसी